नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSE फेल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं या आप आम नागरिक हैं, तो UIDAI की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सभी लोगों को अपने आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ और फोटो ID प्रूफ अपडेट करना अति आवश्यक है। यह अपडेट आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं या CSE वेले अपने सेंटर भी कर सकते हैं, यानी आप किसी भी तरह से अपडेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, जिसे जानना आपको अति आवश्यक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आपको लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि जितने लोग पहले आधार कार्ड बनवाए थे, वे लोग जो डॉक्यूमेंट दिए थे वे डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं था। इस कारण से UIDAI ने ये गाइडलाइन निकाला है कि सभी लोगों को जिनका आधार पहले बना हुआ है उनको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना, अपडेट करना अति आवश्यक है। यदि वे अपडेट नहीं करते हैं तो उनके आधार को बंद कर दिया जाएगा और वे आधार की सुविधाओं को नहीं ले पाएंगे। तो यह जरूरी है, लोगों को जागरूक कीजिए और उनके आधार को अपडेट कीजिए। इसमें अपडेशन में आपको 25 रुपया पे करना होगा और यदि वेली उसे करते हैं तो उनको कस्टमर से ही पैसा लेना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे किया जाएगा। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE की पल पल की खबर मिलती रहती है, जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट किया जाएगा। दोस्तों, आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए यानी एड्रेस प्रूफ और फोटो प्रूफ, दो प्रूफ आपको डालने हैं। दोनों को अपडेट करने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने गूगल ब्राउज़र ओपन किया है, मैं आपको एक PDF के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए, आसानी से अपडेट कर लेंगे। तो एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसमें टाइप करेंगे UIDAI, टाइप करेंगे तो आ जाएगा UIDAI गवर्नमेंट ऑफिस आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सबसे ऊपर यहाँ जो UIDAI दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस माई आधार का जो ऑफिशियल साइट है वह खुल जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे तो नीचे देखिएगा आपको डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ डाउनलोड आधार का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, आप क्लिक करते ही आपके सामने यह इंटरफेस आ जाएगा। यह माई आधार UIDAI.gov.in यह आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ देख सकते हैं आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना होगा, लॉगिन वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आधार नंबर इंटर करना है, यहाँ आधार नंबर डालना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालना है। डाल करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ भर देनी है और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और इसे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया रहा ऑनलाइन अपडेट सर्विस यहाँ दिया गया है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए तो आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट अपडेट का, यहाँ देख सकते हैं दिया गया है डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन दिया गया। आपको यहीं पर क्लिक करना है, आपको यहीं पर क्लिक करना है डॉक्यूमेंट अपडेट में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इसको आप अच्छा से पढ़ लेंगे, अच्छा से पढ़ लें, पढ़ने के बाद यहाँ देखिए नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, पुनः दोबारा क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं दिया गया अपडेट और यहाँ दिया गया है पेमेंट, दो ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट और पेमेंट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ अपडेट जो दिया है इस पर क्लिक करना है। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपके आधार का जो डेमोग्राफी दिख जाएगा, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दिख जाएगा। दिखने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने
आ जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेकबॉक्स जो दिया गया इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपडेट का गाइडलाइन यहाँ दिखेगा। तो गाइडलाइन को आप अच्छा से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ देख सकते दिया गया है, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपको आईडी प्रूफ यहाँ डालना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आईडी प्रूफ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने वो सारे लिस्ट खुल जाएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें डाल सकते हैं आईडी प्रूफ के रूप में। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा और इसे देख लीजिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस इसका देख सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, जो भी चुनना होगा, पासपोर्ट, यहाँ से आप क्या करेंगे फोटो वाला ATM चुन सकते हैं। तो चलिए अगर आप पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए दिया है अपलोड आईडी प्रूफ, जो आपने सेलेक्ट किया है पैन कार्ड, तो यहाँ आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा और क्लिक करके उसे अपलोड कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र में लेकर जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र में लेकर के जाएगा और यहाँ ऐसा इंटरफेस आया और यहाँ पर आप क्या कीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र में ले जाएगा जहाँ आपका पैन कार्ड है, वहाँ से पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा और यहाँ आपको ग्रीन दिखाई देगा, यानी आपका जो पैन कार्ड है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ दिखेगा पैन कार्ड। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब यहाँ कहता है आपको क्या करना है, एड्रेस प्रूफ यहाँ डालना है। वहाँ फोटो प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टोटल वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जो एड्रेस प्रूफ के लिए है। तो चलिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसा खुलेगा। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आप डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए देंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस कनेक्शन बिल है, इसमें आधार कार्ड नहीं, इसमें मैरिज सर्टिफिकेट है, इसका पॉलिसी इंश्योरेंस वाला सर्टिफिकेट है, प्लस पासपोर्ट है, कोई इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और मानते पासपोर्ट ही सेलेक्ट करते हैं, कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, ओके पर आप क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ देख सकते हैं व्यू डिटेल्स दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र में ले जाएगा, वहाँ से आप क्या करेंगे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। तो ऐसा ग्रीन आपको दिखाई देने लगेगा, मतलब डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, आने के बाद यहाँ कंसेंट देंगे, यहाँ टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही आपके सामने यह नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका ये क्या हो गया, सक्सेसफुल, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, तो यहाँ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पेमेंट का मेथड आपको बताएगा किस मेथड से पेमेंट करेंगे। यहाँ टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करते ही मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मेक पेमेंट ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा किससे पेमेंट करना चाहते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, वैलेट से या UPI से, जिससे पेमेंट करना चाहते हो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मान लीजिए UPI से पेमेंट करते हैं, UPI नंबर डालेंगे या नेक्स्ट करेंगे और ये पेमेंट आपका 25 रुपये का लेगा, आपका पेमेंट यहाँ हो जाएगा। जैसे पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद क्या होगा, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ गो टू डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, देखिए यहाँ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसे ओपन करेंगे, यहाँ आएंगे ऐसे दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, इसे आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे फ्यूचर के लिए। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा कि यो डॉक्यूमेंट हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आपको नया आधार कार्ड आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे या उसी आधार से आपका काम चलता रहेगा। तो सभी व्यक्तियों को अपने आधार में डॉक्यूमेंट और एड्रेस प्रूफ अपडेट करना अति आवश्यक है। यदि आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपका आधार का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो यही सूचना देना था, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भेले साथियों।